अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लॉस्ट सिटी है। लॉस्ट सिटी क्या होता है? जो मतलब काफ़ी सालों से गुम चुका हो, मतलब वो तबाहशुदा हो। एन एक्सप्लोरर्स इनकाउंटर विद द रूइंड सिटी ऑफ माचू पिचू द मोस्ट फेमस आइकन ऑफ द इनका सिविलाइजेशन। ये क्या है? तबाहशुदा जो सिटी था उसको वो उसने सर्च किया था। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स, नाउंस, इनको अंडरलाइन कर लेंगे। इन सबको हमने अंडरलाइन कर लिया। अब आ जाओ ज़रा आप नेक्स्ट पे। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं हमेशा। व्हेन द यूएस एक्सप्लोरर एंड एकेडमिक हिरम बिंगम अराइव्ड इन साउथ अमेरिका In 1911, he was ready for what was to be the greatest achievement of his life, the exploration of the remote hinterland to the west of Cusco, the old capital of the Inca Empire in the Andes mountain of Peru. His goal was to locate remains of a city, the last capital of the Inca civilization. Cusco lies. अब आपने इसको पढ़ लिया है, इनके कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते जाए। 3000, Amazon, South America, Bingham, ओबामा, फिर लॉस्ट सिटी, माचू पिचू। नेक्स्ट पे आ जाएगा लॉस्ट सिटी, नेशनल ज्योग्राफिक 1913, कस्को, माचू पिचू। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? अपने क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। 21 to 24 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या है? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू क्या होता है? जो स्टेटमेंट ट्रू होती है, सपोज यहाँ पे उन्होंने बिंगम वेंट टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन इनका सिटी, अगर ये उन्होंने कहा सेम है तो पैसेज में भी सेम है, ये हमारा ट्रू होगा। अगर कहा वेंट साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ किसी और सिटी का यहाँ पे नाम हो, मतलब गुजरात का नाम हो, तो ये हमारा क्या होगा? ये फॉल्स होगा। और अगर इस तरह की कोई बात नहीं है तो ये नॉट गिवन। बिंगम वेंट टू साउथ अमेरिका इन सर्च ऑफ एन इनका सिटी, बिंगम और साउथ अमेरिका हम सर्च करेंगे। आंसर क्या है हमारा? ये आ गया यहाँ पे यूएस की बात, ये साउथ अमेरिका और बिंगम। अराइव इन साउथ अमेरिका इन ही वाज रेडी फॉर व्हाट वाज टू बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ, प्रोफेशन ऑफ द रिमोट हिंटरलैंड द बेस्ट ऑफ कस्को द ओल्ड कैपिटल द इनका एम्पायर। तो हमारा आंसर क्या है? ये ट्रू है। इसको हम कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट पे आंसर, बिंगम चूज अ पर्टिकुलर रूट डाउन द ओबामा वैली बिकॉज इट वाज द मोस्ट कॉमन रूट यूज बाय ट्रेवलर्स। पर्टिकुलर ओबामा वैली बिकॉज इट वाज द मोस्ट कॉमन, क्या ये मोस्ट कॉमन था? यूज बाय ट्रेवलर्स, बिंगम चूज अ पर्टिकुलर रूट डाउन द ओबामा वैली की तरह ये। और वेन बिंगम एंड हिज टीम सेट ऑफ डाउन ओबामा इन लेट जुदी हैड एन एडवेंचर ओवर ट्रेवलर्स हु हैड प्रीसीडेड देम अ ट्रैक एंड रिसेंटली बीन ब्लास्टेड डाउन द वैली कैनन टू एनेबल रबर टू यूज फ्रॉम द जंगल। ये क्या है? फॉल्स है, क्योंकि ये अभी उन्होंने ब्लास्ट किया था, पहले वो इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। बिंगम अंडरस्टूड द सिग्निफिकेंस ऑफ माचू पिचू एज़ वेल एज़ हिज साइट। बिंगम अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ माचू पिचू। माचू पिचू किधर है? ये आ गया। नेवर पासिंग थ्रू द एरिया, पहले भी वो यहाँ से कभी भी वो उन्होंने पास नहीं किया था, पीछे वाले का आंसर है ये। व्हेन वी ट्राइंग टू अरेंज सफिशिएंट मींस फॉर द नेक्स्ट स्टेज, माचू पिचू as he climbs up the hill he described the ever present possibility of dead snakes with Machu Picchu, then followed by many monumental staircases and finally the grand ceremony of the Machu Picchu. It seemed like an unbelievable dream, the site held by spellbound, he wrote. Bingham understood the experience of Machu Picchu as soon as he saw it. वो इसकी significance को नहीं समझा था। उसने क्या लिखा है? द साइट हेल्ड बाय मी स्पेल बाउंड, मतलब मैं यहाँ पे जादुई हो गया था। बिंगम रिटर्न टू माचू पिचू इन ऑर्डर टू फाइंड एविडेंस टू सपोर्ट हिज थ्योरी। बिंगम रिटर्न टू माचू पिचू इन ऑर्डर टू फाइंड हिज थ्योरी।
यहाँ पे कोई भी थ्योरी की बात नहीं है, तो ये हमारा क्या है, नॉट गिवन है, इसमें वन वर्ड ओनली। द ट्रैक दैट टुक बिंगम डाउन द अरुबामा वैली हैड बीन क्रिएटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, किस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन थी, क्या चीज़ वो वहाँ के लेके जाते थे, द बिंगम अरुबामा वैली। ये अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ऑलमोस्ट ऑल प्रीवियस ट्रेवलर्स हैड लेफ्ट यहाँ से, दे हैड एन एडवेंचर ट्रेवल्स हु हैड प्रोसीडेड देम, अ ट्रैक हैड रिसेंटली बीन ब्लास्टेड फॉर द वैली कैनन टू इनेबल रबर टू ब्रॉड अप बाय म्यूज, रबर रबर को लेके जाने के लिए। नेक्स्ट पैराग्राफ, बिंगम फाउंड आउट अबाउट द रुइंस ऑफ मचू पिचू फ्रॉम अ डैश इन द अरुबामा वैली, बिंगम और अरुबामा वैली मचू पिचू फ्रॉम अ डैश, उसको किससे पता चला था, बिंगम और द नेक्स्ट स्टेज एंड हिज कंपेनियन शो टू नो इंटरेस्ट इन कंपनी हिम एज़ हिज नियर बाय हिम टू सी सम रूमर्स दैट अ लोकल फार्मर मार्चो अर्टिगा हैड टोल्ड देम अबाउट द नाइट बिफोर, लोकल फार्मर ने उनको इस बारे में बताया था, तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, फ्रॉम अ फार्मर, ये क्वेश्चन नंबर हमारे 26 कंप्लीट हो गया। इसके पीछे हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स रहती है, हमने उनको नहीं देखा, पहले वो कर दिए। आज ज़रा आप अपने आप लिस्ट ऑफ हेडिंग्स पे, लिस्ट ऑफ हेडिंग्स क्या है, ये ए बी सी डी ई एफ जी। अब हमने ऑलमोस्ट जो है ये पढ़ लिया है, सबसे पहले हम ए का आंसर खुद ही दे देंगे। ए में क्या उन्होंने बात की है, व्हेन द यूएस एक्सप्लोरर एंड एकेडमिक हिरम बिंगम अराइव्ड इन साउथ अमेरिका इन 1911 ही वाज रेडी फॉर व्हाट वाज टू बी द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ, द एक्सप्लोरेशन ऑफ द रिमोट हिंटरलैंड द वेस्ट वेस्को, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट, एंड बिंगम्स प्लान वाज टू डिसेंड फ्रॉम द प्लाटियो अलॉन्ग द वैली ऑफ द अरुबामा रिवर व्हिच टेक्स अ सर्कुइटस रूट, मतलब उसका अमेजोन एंड पासिस थ्रू एन एरिया ऑफ ड्रामेटिक कैनन्स एंड माउंटेन्स, इस गोल वाज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ अ, डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, ऐसी कोई बात हुई है यहाँ पे। बिंगम गेन सपोर्ट अ कॉमन बिलीफ द एम ऑफ द ट्रिप, यहाँ पे क्या है ये देखें, हिज गोल वाज टू लोकेट द रिमेन्स ऑफ द सिटी, तो एम ऑफ द ट्रिप इसका आंसर हो सकता है, हम लोग यहाँ क्या करेंगे एम। नेक्स्ट पे अंदर, व्हेन बिंगम एंड हिज टीम सेट ऑफ द अरुबामा इन लेट सेंट दे हैड एडवेंचर ट्रेवल्स, यहाँ पे क्या था, वो जो रबर लेके जाते थे म्यूल्स के थ्रू, ऑलमोस्ट ऑफ हिज ट्रेवल्स हैड लेफ्ट द रिवर एट माउंटेन्स टू रीच वन द रिवर लॉन्ड देयर फॉर कटिंग अ सब्सटेंशियल कॉर्नर बट नेवर पासिंग थ्रू द एरिया अराउंड द मचू पिचू, तो यहाँ पे आपने सारा पढ़ लिया है, अब हम इसका आंसर देंगे। बिंगम गेन्स सपोर्ट अ कॉमन बिलीफ द एम ऑफ द ट्रिप और ड्रामेटिक डिस्क्रिप्शन अ न्यू रूट, न्यू रूट यहाँ पे क्या है, उन्होंने क्या किया था, नया रूट बनाया था इसको, नेवर पासिंग थ्रू द एरिया इन यहाँ पे ब्लास्टेड डाउन द वैली कैन टू एनेबल रबर, हमारा आंसर क्या है, न्यू रूट सी। प्यारे जरा फर्स्ट टू लाइन और लास्ट टू लाइन में आपका आंसर, ऑन 24 जुलाई देर वर आ फ्यू डेज इनटू द डिसेंट ऑफ द वैली द डे बिगैन स्लोली द विद बिंगम ट्राइंग टू अरेंज सफिशिएंट म्यूल्स फॉर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मॉर्निंग वाज डल एंड डैम्प, यहां पे क्या हुआ, उसको एक फार्मर से पता चला बिंगम सीम टू हैव बीन लेस देन कीन ऑन द क्लाइंबिंग द हिल, अब ये छोटा पैराग्राफ है इसलिए हम इसको पूरा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आंसर है, एक्सपेक्टेशन दैट ही वुड फाइंड एनीथिंग एट द टॉप, यहाँ पे क्या हुआ था, कंपनी हिम ऑफ द, यहाँ पे उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया था, तो उसके क्या हुआ था, प्रब्लिश बिंगम्स लैक ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब उसका जज्बा यहाँ पे कम हो गया था क्योंकि उसके दोस्तों ने यहाँ पे उसका साथ छोड़ दिया था, ये देखें, हिज कंपनी शोड नो इंटरेस्ट इन अकंपनिंग हिम। नेक्स्ट, बिंगम्स राइट अबाउट द अप्रोच इन विविड स्टाइल इज बुक, यहाँ पे उसने अपनी बुक में कुछ लिखा है, तो देन देयर सीन्स ऑफ माउंटिंग डिस्कवरीज एज ही कम्स अक्रॉस एंड ग्रेट स्वीप्स देन ही फॉलोड बाई मोनोमेंटल स्टेयर्स केस एंड फाइनली द ग्रैंड सेरेमनी ऑफ बिल्डिंग द मचू पिचू सीम लाइक एन ड्रीम द साइट हेल्प मी स्पेल बाउंड ही रोड, यहाँ पे उसने अपनी थ्योरी में कुछ लिखा है, उसने यहाँ पे अपने बुक के अंदर कुछ लिखा है, तो हम क्या यहाँ पे करेंगे,
डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि यहाँ पे उसने कुछ डिस्क्राइब किया है। तो वी क्या गया, हम क्या लेंगे, डिस्क्रिप्शन क्या क्या है, वी वो शुड रिमेंबर हाउवर दैट लॉस्ट सिटी ऑफ इनका इज वर्क ऑफ हिंडसाइट नो नॉट रिटर्न अंटिल 1940 मेनी इयर्स आफ्टर हिज जर्नी एंट्रीज फॉर द रिव टाइम रिवील एज मच मोर ग्रेजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज अचीवमेंट ही स्पेंट द आफ्टरनून एट द रूइंस नोटिंग द सम ऑफ द बिल्डिंग्स, जहाँ पर उसने सारा कुछ नोट किया है। तो आंसर क्या होगा हमारा, वी शुड रिमेंबर हाउ दैट लॉस्ट इज अ वर्क ऑफ इनसाइट नॉट रिटर्न फॉर मेनी इयर्स आफ्टर हिज ही स्पेंट द आफ्टरनून एट द रूइंस एंड नोटिंग द डायमेंशंस ऑफ सम ऑफ द बिल्डिंग्स इन रिसेंट ही जॉइंड हिज कंपनीज टू होम ही सीम्स टू हैव सेड लिटिल अबाउट हिज डेमोग्राफी एट दिस स्टेज बिगम डिडंट रियलाइज द एक्सटेंट और द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइट नॉर डिड ही रियलाइज व्हाट यूज ही कुड मेक ऑफ द डिस्कवरी। डिफरेंट अकाउंट्स ऑफ द सेम जर्नी, सफर एक ही है लेकिन उसके अकाउंट डिफरेंट हैं। तो आंसर क्या है हमारा, आई। नेक्स्ट पैरा, हाउएवर सून आफ्टर रिटर्निंग इट अकर्ड टू हिम दैट ही कुड मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज डिस्कवरी व्हेन ही केम टू राइट द नेशनल ज्योग्राफिक मैगजीन आर्टिकल। यहाँ पे उसने एक आर्टिकल लिखा ब्रो द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड इन अप्रैल 1990 He knew he had to produce a big idea. Ab next mein sadly his vision of the site as both the beginning and end of the Inca civilization while a magnificent one is inaccurate. We now know that Vilcabamba actually lies 65 kilometers away in the depths of the jungle. Could make a name for himself from the discovery. Yahan pe usne kuch apne magazine article mein likha hai. ये क्या है हमारा, यहाँ पे थ्योरी हम कह सकते हैं, विंगम पब्लिशेस हिज थ्योरी। तो आंसर क्या है हमारा, बी डबल आई। यहाँ पे उसने नेशनल ज्योग्राफिक में अपनी थ्योरी जो है वो पब्लिश की थी। कंक्लूजन दैट हैज़ परप्लेक्स्ड विजिटर्स, यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स। हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट अलाइक एवर सिंस विंगम इज वाई द साइट सीम्स टू हैव बीन अबंडेंट बिफोर द स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट। Furthermore, the particular architecture of Machu Picchu suggests that it was constructed at the time of the greatest of all the Incas. So, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? A common belief. Common belief कैसे आया? That the historians, visitors, tourists, and recreational alike ever since being of his is why the site seems to have been abandoned before the Spanish conquest. को रेफरेंस टू इट बाई अनिल, मतलब स्पेनिश ने पहले ही कॉन्क्वेस्ट किया था। ये हमारा पैसेज कंप्लीट हो गया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। शुक्रिया।